जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम अभी तक जो भी डिस्कशन हमने किया, उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कंक्रीट जो है आपका सीमेंट और मिलावा और वाटर, इन तीन चीज़ों का जो है मिश्रण है, जिनको मिलाकर जो है हम कंक्रीट तैयार करते हैं। और इन सब के बारे में हम अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं कि इन सब का अलग अलग योगदान क्या है किसी भी अच्छे कंक्रीट के, उत्तम क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के कंक्रीट के निर्माण के लिए, और उसका योगदान हर एक मिलावे का, या चाहे आपका सीमेंट का हुआ, जो भी इंग्रेडिएंट है आपके, जो भी पार्ट है इस कंक्रीट के, वो उनके बारे में हम अलग अलग डिस्कशन करते हैं। पर जैसा कि मैंने मिलावे के बारे में बात कर रहे हैं, मिलावा बात कर रहे थे कल, मिलावा का है, सीमेंट इसके पहले हो चुका है, कल हमने जो है मिलावे के बारे में, मिलावा होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, उसके अभिलक्षण क्या है, ये चीजों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। इन चीजों के बारे में अभी तक हमने जो देखा वो क्या किया, हमने वर्गीकरण कहा, वर्गीकरण मिलावा क्या होता है और उसका वर्गीकरण, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में वर्गीकरण के बारे में डिस्कशन किया कि वर्गीकरण जो है कैसे करेंगे और किस आधार पर जो है मिलावे को हम अलग अलग पहचानेंगे, कैसे कि मिलावा जो है महीन है कि मोटा है। ठीक है, तो वर्गीकरण से हमने जो है बहुत सारी चीजें देखी, और मैंने लास्ट में कल जो है उनके अलग अलग जो है शेप के बारे में, जो कि शेप के आधार पर वर्गीकरण था, उसके बारे में, आकार जैसा होता है उस आकार के हिसाब से हमने जो है उसको वर्गीकृत किया। आज हम फिर से थोड़ा सा वहाँ से हम चलेंगे, मिलावे के कणों को, कणों का चित्रीय वर्णन करने की कोशिश करते हैं हम आकार। तो वर्गीकरण में एक और हम देखते हैं मिलावे के कणों का, कणों का चित्रीय आकार। यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, मिलावे के कणों का चित्रीय आकार देखने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इसमें तो इसमें हम चार कॉलम बनाएंगे, यहाँ से बनाते हैं, और सबके बारे में हम अलग अलग जो है फिगर के साथ समझने की कोशिश करेंगे। क्लासिफिकेशन 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर हम चार कॉलम बना रहे हैं, तो चार कॉलम जो हम बना रहे हैं, इसमें चार कॉलम में अलग अलग आधार लेंगे उसको वर्गीकरण करने के लिए हम। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्या था, गोलाकार। ठीक है, तो गोलाकार यहाँ पे हम इसको ऊपर लिख लेते हैं कि किस किस बेस पे हम कर रहे हैं। पहला आपका ये पोर्शन है, यहाँ पे लिखेंगे कण का वर्ग, कण का वर्ग। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्णन, उसके बारे में हम बताएंगे कि कैसे जो है प्राप्त होता है उसका वर्णन, डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है आकार, आकार। ठीक है, और लास्ट में इसका है उदाहरण, उदाहरण। तो हम यहाँ पर टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे किसी भी मिलावे के कणों का चित्रीय आकार कैसा होगा। तो सबसे पहले हमने डिस्कशन जो किया था उसमें हमने पाया था कि जो आपका कण होगा वो क्या है, गोलाकार है। तो गोलाकार था तो कण कैसे थे, राउंडेड थे, उसका शेप कैसा था, राउंडेड था, यानी कि सर्कुलर था। ठीक है, तो ये जो कण होते हैं ये गोलाकार होते हैं। अब इसके बारे में होता क्यों ऐसा है, क्योंकि ये जो कण होते हैं वो समुद्र और नदियों में, नदियों के द्वारा बहाकर उनके तटों पर लाए जाते हैं। ठीक है, और वहां से इनको प्राप्त किया जाता है, यानी कि समुद्र व नदी द्वारा, नदी के द्वारा रगड़, एक टर्म आता है रगड़, या घर्षण कह सकते हैं, रगड़, रगड़ के द्वारा ये गोल हो जाते हैं, अपने शेप को प्राप्त करते हैं, ये गोल हो जाते हैं नदी के द्वारा तटों पर, तटों पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो गोलाकार आकृति है इनकी, उस रगड़ की वजह से, जो कण आपस में रगड़ते हुए आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, इनका जो सरफेस एरिया है पूरा क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ इनका जो है गोलाकार हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो क्या होगा, रेत होगा, और क्या
अलावा ग्रेवल, ग्रेवल या बजरी कहते हैं इसको, बजरी, ठीक है। तो ये प्राकृतिक तौर पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका आंशिक रूप से, आंशिक रूप से गोलाकार, ठीक है, आंशिक रूप से गोलाकार। तो आंशिक रूप से गोलाकार जो होगा, ये जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि आंशिक रूप से गोलाकार, ठीक है। तो इनका कुछ हिस्सा क्या होता है, तो सर्कुलर होगा, और बाकी हिस्सा क्या होगा, थोड़ा सा जो है चेंज होगा यहाँ, ठीक है। तो प्राकृतिक तौर पे ये भी पाया जाता है, प्राकृतिक तौर पर आंशिक रूप से, आंशिक रूप से रगड़ द्वारा, रगड़ द्वारा कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा आंशिक रूप से, कुछ हिस्सा गोलाकार, गोलाकार होता। तो ये इसका जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा क्या है इसका, गोलाकार है यहाँ पर, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या होगा, गड्ढों से प्राप्त प्राप्त बालू, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा गड्ढों से निकाले जाने वाले या प्राप्त की जाने वाली बालू, वह बजरी, बजरी भी हम ले सकते हैं। ये चीजें जो है ये भी प्राकृतिक तौर पर पाई जाएंगी, लेकिन जो है इनका कुछ ही हिस्सा क्या होता है, जिसको हम देख पा रहे हैं इस फिगर में, कि कुछ ही हिस्सा क्या है इसका, यहाँ पर गोलाकार, ठीक है। नंबर थ्री था आपका कोणीय, कोणीय कण, कण वाला वाले मिला गए, ठीक है। ये जो कोणीय कण होते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उनकी जो आउटर सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं, कोणीय होते हैं, किस तरह से इरेगुलर शेप में होंगे, ठीक है। यानी किसी एंगल पे जो है ये निकले रहते हैं, यानी कि क्या होगा, ये इन कोणीय कण जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं, कणों के जो कोने होते हैं वो क्या होते हैं, एंगुलर होते हैं, कोणीय रूप, कोणीय रूप रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। और जो कोणी होते हैं इन्हीं का हम मैक्सिमम यूज करते हैं, एंगुलर का, एंगुलर जो होता है, एंगुलर शेप जो एग्रीगेट होते हैं, इनको हम कहां से पाते हैं, संदलन के द्वारा, संदलन, संदलन क्रिया द्वारा, क्रिया द्वारा प्राप्त, प्राप्त मिलाप, जो पत्थरों को तोड़ा जाता है संदलन क्रिया द्वारा, क्रशिंग करके, वो जो होता है आपका संदलन क्रिया द्वारा प्राप्त एग्रीगेट, वो होता है आपका कोणीय कण, आप फिगर में देख पाएंगे। नंबर फोर होगा आपका चौथे नंबर पर परतीय, परतीय, परती, परदार कह सकते हैं, या परत दार मिला, ठीक है। जो परदार मिला हुआ होता है, इनके जो कणों के कोने होते हैं निकले होते हैं, ठीक है। इन परदार कणों की ऐसे फिगर हम देखें, ऐसे कुछ हो, ठीक है। तो जो इनके कोने होते हैं वो कुछ सिरों पर जो है एक कोने से निकले होते हैं, ठीक है। इनके इन कणों के कोने निकले हुए होते, ठीक है। और इनकी मोटाई, इनकी इन कणों की जो मोटाई होती है, इन कणों की मोटाई और चौड़ाई लंबाई से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो ये था इसका एग्जांपल, एग्जांपल हो जाएगा इसका परतदार चट्टान, परतदार चट्टान।
का मिलावट, ठीक है। तो ये सारे जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन है इनका जो है हमने इस चार्ट के द्वारा हमने इसको जो है इसका वर्णन किया है, जिसमें मिलावे के कणों का क्षेत्रीय आकार, ठीक है। तो हम इसको चार भागों में हमने बांट दिया है ये जानने के लिए कि उनका जो है क्या क्या जो है प्रॉपर्टी है, कहाँ से पाया जाते हैं, इनका जो है फिगर शेप कैसा होगा। तो गोलाकार जो आपका होता है, सबसे पहले हमने चार भाग में बांटा कैसे कि कण का वर्ग पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में वर्णन उसका करें हमने किया, तीसरे में आकार कैसा होगा उसका आकार हमने डिफाइन किया, और चौथे नंबर पे उसका एग्जांपल कुछ उदाहरण के रूप में कहां कहां देख सकते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो गोलाकार है वो समुद्र और नदी के द्वारा उनके बीच में जो घर्षण होता है, उस घर्षण के फलस्वरूप जो जो कण होते हैं, जो मिलावे के कण होते हैं, वो घर्षण के फलस्वरूप क्या होता है, उनकी जो सतह होती है वो पूर्ण रूप से गोलाकार हो जाती है, जैसा कि हम फिगर में देख पा रहे हैं। उसके एग्जाम्पल क्या होता है, बजरी, बजरी हुआ चाहे यहाँ पर रेत हुआ, क्या होता है क्योंकि पार्टिकल को देखेंगे आप तो वो गोल पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर है आंशिक रूप से गोलाकार, आंशिक रूप से गोलाकार जो होते हैं वो प्राकृतिक तौर पर कहाँ पे पाए जाते हैं, आंशिक रूप से रगड़, आंशिक रूप से जो रगड़ होता है इनमें बिल्कुल, आंशिक रूप से जो है इनका सरफेस क्या होता है, कुछ हिस्सा जो है वो गोलाकार हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं फिगर में, कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे गोलाकार है इसका, ठीक है। बाकी फिर से इरेगुलर शेप में, ठीक है। तो गड्ढों से ये प्राप्त जो बालू बजरी होती है वहां से ये प्राप्त होती है, उसका एग्जाम्पल ये है गड्ढों से प्राप्त बालू और बजरी। नंबर तीन पर है आपका कोणीय कण वाले मिलावे। तो कोणीय कण वाले मिलावे से नाम से पता चल रहा है कोणीय कण वाले। तो कोणीय कण जो कोणीय वो कण जिनके सिरे बाहरी परत जो है या बाहरी सिरा वो क्या होता है ज्यादातर एंगुलर शेप रखता है, एंगुलर शेप होता है जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं कोणीय कण वाले मिलावे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है संदलन, जो आप कर्षण करके जो है पत्थरों को तोड़ के निकालते हैं वहां पे कर्षण क्रिया द्वारा छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उसमें जो प्राप्त पत्थर होंगे वो इसके एग्जाम्पल होंगे संदलन क्रिया द्वारा प्राप्त मिलावा। और चौथे नंबर पर है परतदार मिलावा। तो परतदार मिलावा आपका जो इसके कण जो है एक किसी एक कॉर्नर पे आपको देखेंगे निकले हुए हैं, और इसकी जो मोटाई चौड़ाई होती है लंबाई से क्या होती है वो कम होती है, तो वो कहलाते हैं परतीय परतदार। इसका एग्जाम्पल होगा परतदार चट्टान से प्राप्त मिलावा। तो ये इसका जो है एक विस्तृत वर्णन किया गया है आपके मिलावे के कणों का चित्रीय वर्णन, ठीक है। तो ये था आपका टोटल वर्गीकरण जो हमने कल डिस्कशन किया, जितने भी डिस्कशन किया क्लासिफिकेशन किया मिलावे का अलग अलग, उस मिलावे में हमने जो है अलग अलग जो डिफिनेशन हमने देखा वर्गीकरण करके कि किस मिलावे के क्या अलग अलग जो है स्वरूप है, उस स्वरूप को जो है अलग अलग बेस पर चाहे साइज के बेस पर हमने डिफाइन किया चाहे शेप के बेस पर, ठीक है। तो ये था, आप चाहें इसको नोट कर सकते हैं।
से अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक बार फिर से मिलावे के अभिलक्षण। तो ये वर्गीकरण हमने डिस्कशन कर लिया है यहाँ पर, यहाँ तक आपका जो वर्गीकरण था इसमें से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे अगर वर्गीकरण पूछेगा तो आप जो है उसके बारे में डिटेल से लिख पाएंगे, जैसा कि मैंने बताया अपने प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में जो भी डिटेल अभी तक दिया गया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अगला टॉपिक होगा आपका मिलावे का अभिलक्षण। टॉपिक है आपका मिलावे का, किसी भी मिलावे का, जो भी हम मिलावा यूज करते हैं। मिलावा अगर शब्द आता ही है तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जो मिलावा है वो क्या है आपका, एक इनर्ट मटेरियल है, अक्रिय पदार्थ है। ठीक है, तो मिलावा जो है जैसे ही मिलावा की बात करते हैं तो कोई भी मिलावा हुआ उसमें दो चीजें हमारे सामने खुल के आ जाती है, एक महीन मिलावा एक मोटा मिलावा, दोनों ही जो है इनर्ट मटेरियल है। ठीक है, इनर्ट मटेरियल जो कि अक्रियाशील माने जाते हैं, जिनका आपस में स्वयं के द्वारा कोई जो है संयोग नहीं हो सकता है, बॉन्डिंग नहीं हो सकती है बिना किसी बाहरी मटेरियल को मिलाने, जैसे कि सीमेंट। ठीक है, तो मिलावे का अभिलक्षण जो भी हम मिलावा यूज कर रहे हैं उसके अभिलक्षण क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मिलावा कहाँ जाकर जो है अफेक्ट करेगा, ये मिलावा जो यूज करेंगे हम किसी भी कंक्रीट में जाकर उस कंक्रीट का जो निर्माण होगा, ये मिलावा जो होगा इसके अभिलक्षण सीधे किसको प्रभावित करेंगे, कंक्रीट इसको प्रभावित करेंगे कंक्रीट। और ये कंक्रीट जो होगा, आप हम जानते हैं कि कंक्रीट जो बनता है वो सीमेंट और मिलावे और पानी के संयोग से बनता है, आपसी संयोग से बनता है। तो मिलावा हम जब भी जानते हैं कि एक आयतन प्रदान करता है, किसी भी कंक्रीट पिंड को आयतन प्रदान करता है, इसका मुख्य रूप काम क्या है, आयतन प्रदान करना और सामर्थ्य में सहयोग करना। तो कंक्रीट जो हम अगर हमें उत्तम क्वालिटी का अगर हमें हाई क्वालिटी अगर हमें एक अच्छी कंक्रीट का निर्माण करना है, उच्च क्वालिटी के कंक्रीट का निर्माण करना है, जिसके संयोग से इसके निर्माण का के प्रयोग से उसके प्रयोग जब हम करेंगे उसको एप्लीकेशन में लाएंगे उस चीज को, तो अगर उसका एप्लीकेशन से हमें क्या होगा मिलेगा, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ। और जो हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क वो क्या होगा, लॉन्ग लाइफ। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, एंड हाई स्टेबल। ठीक है, तो एक जनरल अगर हम व्यू देख रहे हैं मिलावे के रोल को, अगर मिलावे के रोल को हम जानने की कोशिश करें तो मिलावा सीधे सीधे किसको जो है प्रभावित कर रहा है, कंक्रीट को। और कंक्रीट में जब मिलावा यूज होगा तो अच्छे मिलावट का अगर प्रयोग करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा हमें, अच्छी क्वालिटी की कंक्रीट प्राप्त होगी। जब अच्छी क्वालिटी कंक्रीट हम बना पाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, जाहिर सी बात है हाई होगी, अच्छी क्वालिटी होगी तो हाई होगी। और जब स्ट्रेंथ उसकी हाई होगी, उसके द्वारा प्राप्त जो स्ट्रेंथ हाई होगा, सामर्थ्य उच्च होगा, उच्च सामर्थ्य हम प्राप्त कर पाएंगे, तो जो कंस्ट्रक्शन का जो हमारा काम होगा वो क्या होगा, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, लॉन्ग लाइफ भी होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, स्टेबल होगा वो जो है, उसकी जो आय होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो अब इन चीजों को प्राप्त करने के लिए हम मिलावा जो है एक उत्कृष्ट क्वालिटी या हाई क्वालिटी के मिलावे का प्रयोग हम करेंगे। हाई क्वालिटी के मिलावे का हम प्रयोग करेंगे, वो हाई क्वालिटी में गेन कैसे होगा, जैसे हम सीमेंट उच्च क्वालिटी का हम प्रयोग कर रहे हैं, सीमेंट द्वारा हमने स्टडी कर लिया, तो उस स्टडी से अब हम इतना जान सकते हैं कि किस टाइप के सीमेंट को हमें यूज करना है, 33 यूज करना है ग्रेड की, 43 ग्रेड यूज करना है कि 53 ग्रेड को यूज करना है। वैसे ही अब हम उस बेस पे उसके अलग अलग अभिलक्षण हमने पढ़ा था जैसे सीमेंट का, वैसे ही हम मिलावे का भी अलग अलग अभिलक्षण पढ़ेंगे, क्योंकि मिलावा जो है जैसे सीमेंट अच्छा हम यूज करेंगे उसी तरह मिलावा भी हम क्या करेंगे, अच्छा यूज करने का प्रयास करेंगे। जो मिलावा हम चाहे सैंड यूज कर रहे हैं चाहे हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो वो सैंड और एग्रीगेट कैसे होने चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुणधर्म होने चाहिए उसके, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम मिलावा जो है सही से यूज करेंगे, सही मिलावा यूज करेंगे, तो मिलावा जो क्या करेगा, सामर्थ्य को प्रभावित करेगा निश्चित तौर पर किसी भी कंक्रीट की। तो मिलावे के जब हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर, तो उसमें
बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि अगर मिलावट सही नहीं यूज करेंगे हम तो कंक्रीट के निर्माण के पश्चात जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उस निर्माण वर्क में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ जो है हमें दोष जरूर दिखेंगे खुली आंखों से, जैसे कि दरार होना, चाहे फटना, चाहे फूलना कंक्रीट का, ये तरह का क्या होगा उस कंक्रीट में दोष माना जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस मिलावे के प्रभाव से ही वो ये पॉसिबल होगा कि मिलावा जो है हम कैसा यूज कर रहे हैं। अगर मिलावा दोषपूर्ण है तो निश्चित तौर पर हमारी कंक्रीट क्या होगी, दोषपूर्ण हो जाएगी, उससे निर्माण कार्य क्या होगा दोषपूर्ण हो जाएगा। इसीलिए हमें क्वालिटी, उच्च क्वालिटी वाले मिलावे का और वेल ऑब्जर्व हमारे गाइडेंस में जो हम निर्माण कर रहे हैं उस गाइडेंस में वो मिलावा जो है पास होना चाहिए। हमारे जो रिक्वायरमेंट है किसी भी मिलावे का, जो रिक्वायरमेंट है जो हम जानते हैं वो चीज़ें उसमें, वो गुण उसमें उस मिलावे में होनी चाहिए, इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो जब हम मिलावे के विलक्षण की बात करते हैं तो वो मिलावा कैसा होना चाहिए, इसके हमें अलग अलग बिंदुओं पर जो है हम अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ लिखने जा रहे हैं और हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे नंबर वन पर है संगठन, संगठन। दूसरे नंबर पर होगा आपका कण की आकृति। तीसरे नंबर पर होगा आपका आकार, कण का आकार, ठीक है। इसके पश्चात चौथे नंबर पर होगा सतही गठन, पांचवें नंबर पर है आपका विशिष्ट गुरुत्व। मैं पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं और इसके बारे में मैं अलग अलग डिस्कशन कर दूंगा अभी कंप्लीट करने के पश्चात। नंबर सिक्स है रंध्र स्थान। नंबर सेवन पर है स्थूल घनत्व, स्थूल घनत्व। नंबर एट पर होगा आपका सरंध्रता, वह जल अवशोषण, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको किसी भी मिलावे के विलक्षण से के लिए हमें ये इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, जो कि मिलावे के विलक्षण को ये प्रदर्शित करेंगे निश्चित तौर पर। तो मिलावे का विलक्षण की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला बिंदु जो कि हमारे सामने इस समय है क्या है, इसका संगठन या कंपोजिशन। ठीक है, तो कंपोजिशन, कोई भी मिलावा जो आप यूज करेंगे उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। जो मिलावा हम यूज कर रहे हैं चाहे वो महीन मिलावा हो चाहे वो मोटा मिलावा हो, किसी भी दोष से रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए किसी भी उसके संगठन में, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी हानिकारक तत्व तो उस संगठन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी हानिकारक तत्व का उपस्थित होना किसी भी मिलावे में निश्चित तौर पर कंक्रीट की सामर्थ्य को, कंक्रीट की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। और कंक्रीट की गुणवत्ता अगर प्रभावित होगी तो जाहिर तौर पर बात है कि उसके सामर्थ्य और उसके अन्य गुणों को भी वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। तो संगठन में क्या होना चाहिए आपका, मिलावा जो है हानिकारक, सभी हानिकारक तत्वों से क्या होना चाहिए, रहित होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी हानिकारक तत्व उपस्थित ना हो। जैसे कि मिलावे में हम अगर जब भी मिलावे वो साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई जो है अवांछनीय पदार्थ जैसे धूल के कण हुए या पेड़ पौधों के पत्ते उसमें नहीं मिले होने चाहिए किसी भी प्रकार का, ईंट की रोड़ी ऐसी होती है या कुछ ऐसे पदार्थ भी मिल जाते हैं या कार्बनिक तत्व मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है वो मिलावा जलायोजन क्रिया में वो भी भाग लेने लगता है मिलावे के साथ। तो वो हानिकारक तत्व क्या करेंगे, उसका कंक्रीट की सामर्थ्य क्षमता को क्या करेंगे, वो प्रभावित करेंगे। इसीलिए किसी भी मिलावे के संगठन के लिए हम क्या करेंगे, वो दोष रहित होना चाहिए, हानिकारक तत्वों के बिना ही उपस्थित होना चाहिए और तभी हम उसका प्रयोग करेंगे। तो मिलावा जो है हानिकारक तत्वों से, मिलावे में हानिकारक तत्व नहीं होना चाहिए। नंबर टू पर है आपका कण की आकृति। सील, तो
जो मिलावा है उस मिलावे के कण की आकृति कैसे होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कण की, ठीक है। जो पर्टिकुलर कण चाहे वो नहीं मिलावा हो चाहे वो मोटा मिलावा हो, तो जो भी हम मिलावा यूज करेंगे उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका जो आकार कैसा होना चाहिए, आकृति कैसी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जैसे कि मैंने इसीलिए मैंने नहीं मिटाया क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं इन चीजों से क्या होंगी कोरिलेट, ठीक है। तो जब हम इनको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि उसका शेप कैसा दिख रहा है, गोलाकार, आंशिक रूप से गोलाकार, कोणीय कण और प्रतीक, ठीक है। ये चार प्रकार के जनरली हमें मेजॉरिटी में ये चार प्रकार की जो है कण हमें दिख सकते हैं किसी भी मिलावे में। अब इसमें ये हमें पहचानना होगा कि कौन सा कण हमारे लिए सबसे उपयोगी साबित होगा उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, और सामर्थ्य सीधे सीधे डिपेंड करेगा किस पे, उसके बंधन पे, कि उसकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है, उन कणों के बीच में आपस में बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो जब हम इन चीजों पे ध्यान देते हैं तो हमें देखने को ये मिलता है कि इन चारों में सबसे अच्छा कौन सा होगा। अगर हम देखने का प्रयास करें तो गोलाकार हो या आंशिक रूप से गोलाकार होगा, तो गोलाकार निश्चित तौर पर इससे वर्कबिलिटी हमें अच्छी मिलती है, वर्कबिलिटी हमें अच्छी मिलेगी, इससे वाटर सीमेंट रेशियो भी उपयुक्त होगा। लेकिन गोलाकार कणों के बीच में क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है। और गोलाकार के बीच होगा कणों के बीच क्या होगा, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो अंतर्गठन, अंतर्गठन जो क्रिया है वो जो है बॉन्डिंग अच्छी ना होने की वजह से क्या होती है, सामर्थ्य जो है थोड़ी कमजोर पड़ जाती है, ठीक है। उसमें जो बॉन्डिंग होगी वो अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि अंतर्गठन जो है कणों के बीच में जो अंतर्गठन होगा बंधने की जो क्षमता होगी वो उपयुक्त नहीं होती है, इसलिए गोलाकार कणों का प्रयोग जो है प्रिफरेबल है। लेकिन जो है हम उसको कोशिश करते हैं कि अच्छे कार्यों के लिए हम कोई और अगर हमारे पास ऑप्शन उपलब्ध हो तो हम उसको प्रयोग करें जो इसकी बॉन्डिंग अच्छी हो, और उससे वो बॉन्डिंग सीधे सीधा क्या करता है, सामर्थ्य को प्रभावित करता है, सामर्थ्य को बढ़ाता है बॉन्डिंग जब भी अच्छी होगी। तो अब इसके बाद हमारे सामने है कोणीय, तो कोणीय जो कण होता है आपका, जो कोणीय होते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, उन कणों के बीच में क्या होता है आपकी जो बॉन्डिंग होगी, जो अंतर्गठन की जो क्रिया होती है वो बहुत ही उत्तम होगी, और जब वो उत्तम होगा अंतर्गठन की क्रिया उत्तम होगी तो क्या होगा अभिलाप सामर्थ्य, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की जो है मैक्सिमम होगी। इसलिए हम जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो मोस्ट प्रिफरेबली हम किसका प्रयोग करेंगे, एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। तो हम एंगुलर एग्रीगेट यहाँ पर प्रिफर करेंगे, जब भी कण की आकृति की बात करेंगे हम किसका प्रयोग करेंगे, एंगुलर सबसे बेस्ट होगा, एंगुलर शेप, ठीक है। तो जो एंगुलर शेप होगा वो सबसे बेस्ट माना जाएगा। तीसरे नंबर पर है आपका आकार, ठीक है। अब बात करते हैं हम आकार की, हमने कल दोनों के बारे में डिस्कशन किया, शेप और साइज, बोथ क्लासिफिकेशन। हमने कल के लेक्चर में साइज और शेप दोनों के बेस पे वर्गीकरण कर रखा है, ऑलरेडी हमने देख रखा है कि शेप अगर होगा तो कैसा होगा, तो उसमें कौन सा हम प्रीफर कर रहे हैं, एंगुलर का कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं साइज की, जो साइज अगर जो है वेरिएंट हमें मिले, जो वैरायटी मिल रही है उसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं होगा। फिलहाल आपने नोट कर लिया होगा इसको, ठीक है।
अगर वो निकल जाता है 90% भाग उस पूरे मिलावे का बाय वेट, तो वो क्या होगा? नहीं मिला होगा। और इसी में अगर हम फिर देखें तो 90% भाग अगर किसी भी मिलावे का 90% भाग उस चालनी पे रह जाएगा, रिटेन हो जाएगा, मतलब पास ना हो पाए, तो क्या होगा? मोटा मिलावा होगा। Thank you.
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर हम वर्गीकृत करें तो ये दो भागों में बढ़ गए हैं, एक है स्थूल और एक है आभासी। तो स्थूल क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं स्थूल, ठीक है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, BULG, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एक अनुपात होती है। तो ये क्या होता है, एक अनुपात होता है किसी भी हड्डी शुष्क मिलावा, एक मिलावा, एक एग्रीगेट का मिलावा जो बाई वेट हो, और उसको हम क्या करें 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट कर ले ताकि उसमें से मॉइस्चर कंटेंट क्या हो बाहर आ जाए। तो उस मिलावे का भार बटा उस मिलावे का आयतन, आयतन कैसा होना चाहिए, रंध्र के साथ, फोर्स के साथ, ठीक है, जो उसमें फोर्स हो रंध्र रहित, यहाँ पर हम एक टर्म देंगे रंध्र सहित, ठीक है, रंध्र सहित मतलब रंध्रों के साथ, ठीक है। तो ये एक अनुपात है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक अनुपात होता है जो जो उस मिलावे के भार और उसके आयतन को प्रदर्शित करता है, यानी कि किसी भी मिलावे का भार और उसके आयतन रंध्रों के साथ, रंध्र के साथ यानी कि इसमें जो फोर्स है उन फोर्स के साथ उसका जो आयतन का अनुपात होगा वो क्या कहलाता है, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। नंबर टू, नंबर टू पर बात करें आभासी, अपीयरेंट, अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, आभासी, आभासी विशिष्ट गुरुत्व, आभासी विशिष्ट गुरुत्व, इन दोनों में एक माइनर सा अंतर आ जाता है। यहाँ पे हमने इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, रंध्र सहित, और ये किसका अनुपात है, उस मिलावे के भार और आयतन का रंध्र रहित, यानी कि बिना किसी फोर्स के रंध्र रहित आयतन, ठीक है। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, आपका किसी भी मिलावे का जो कि 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको जो हीट किया गया 24 घंटे तक, उसका भार बटा उसका आयतन रंध्रों के साथ, रंध्र के साथ जो कि उसमें फोर्स उपस्थित हो उन फोर्स के आयतन के साथ जो है कुल आयतन, और जो अपीयरेंट है इसमें क्या होता है, वो फोर्स जो है उनका आयतन को हम क्या करेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे। तो जो अनुपात होगा भार और उसके आयतन का वो कहलाता है आपका अपीयरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि कंपेरिजन के द्वारा आप ये पाएंगे कि जो आभासी भार, आभासी विशिष्ट गुरुत्व का मान होगा वो स्थूल विशिष्ट गुरुत्व की अपेक्षा क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। यानी कि जो विशिष्ट गुरुत्व है, स्थूल विशिष्ट गुरुत्व है, वो आभासी विशिष्ट गुरुत्व से क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आयतन की वैल्यू है रंध्र रहित होने की वजह से आयतन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो जा रही है, और ये कम होने की वजह से क्या होता है, जो अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि आभासी विशिष्ट गुरुत्व है उसका मान स्थूल विशिष्ट गुरुत्व के मान से क्या होता है, हमेशा अधिक होता है। एक पॉइंट ये हो गया आपका जिसको आप नोट कर सकते हैं कि आभासी विशिष्ट गुरुत्व का मान स्थूल विशिष्ट गुरुत्व से की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा होगा आपका अधिकांश मतलब मैक्सिमम क्या होता है, मिलावे का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 2.62 से लेकर 2.9 तक लिया जाता है। इसमें जो वैल्यू होगी, जो मिलावे का विशिष्ट गुरुत्व होगा वो कितना लिया जाएगा, 2.62 से 2.9 तक लिया जाएगा। तो जब भी किसी भी मिलावे का जो फोर्स, यानी कि जब भी फोर्स नहीं होंगे, यानी कि जब फोर्स नहीं होंगे तो उनका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि वो बहुत क्लोज स्पेस में होंगे, और उसका आयतन कम होने की वजह से क्या होता है, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी मिलावे का बढ़ जाएगा तो मिलावा क्या होगा, उत्कृष्ट माना जाएगा किसी भी रंध्रयुक्त मिलावे की अपेक्षा। तो ये था आपका विशिष्ट गुरुत्व। अगला पॉइंट है आपका रंध्र स्थान, इसको आप नोट करते रहिए हमारे साथ। रंध्र स्थान, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रंध्र स्थान, जब भी हम रंध्र स्थान की बात करेंगे तो हम देख पाते हैं कि रंध्र जो होते हैं किसी भी एग्रीगेट में, अगर रंध्र की उपस्थिति कहीं ना कहीं मिलावे में जो है, मिलावे में उपस्थित होना उसकी सामर्थ्य क्या आता है, प्रभावित करता है। जब भी मिलावे में रंध्र जो है उपस्थित होंगे, ज्यादा मात्रा में उपस्थित होंगे, तो क्या होता है, उनके कणों के बीच जो स्पेस होगी, वो जो फोर्स होंगे, वो कहीं ना कहीं जो है, एक तो उसमें क्या होता है, जो कण में जो फोर्स होंगे उस फोर्स में क्या होगा, वाटर जाकर बढ़ जाएगा, ठीक है, और वाटर
कम सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। जब भी आप इसके सामर्थ्य की टेस्टिंग करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे तो निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी सामर्थ्य जो है किसी भी कोर्स रंध्र युक्त मिलावे का और रंध्रहीन मिलावे की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। सामर्थ्य जो होगी रंध्र युक्त मिलावे की वो क्या होगी, सामर्थ्य क्या होगी, हमेशा कम होती है किसी भी रंध्र रहित मिलावे की अपेक्षा। तो ये था आपका रंध्र स्थान। इसके बाद आपका स्थूल घन, अगला पॉइंट है आपका स्थूल घनत्व। तो जब भी हम स्थूल घनत्व की बात करते हैं तो स्थूल घनत्व क्या होता है, स्थूल मतलब एक बल्क में देखते हैं, ठीक है। तो हम बल्क की बात करते हैं, स्थूल घनत्व की बात करते हैं, तो बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, इसको हम क्या कहते हैं, बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व। ये क्या होता है, एक अनुपात होता है किसी भी मिलावे का कुल भार बटा कुल आयतन। इसको हम किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम पर लीटर। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है किसी भी मिलावे का, वो एक अनुपात होता है जिसका, किसका, किसी भी मिलावे के कुल भार का और उसकी कुल आयतन का, ठीक है। ये हो गया आपका मिलावे की बल्क डेंसिटी या किसी भी मिलावे का स्थूल घनत्व। अब इसको देखिए, आप जो है इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पर तीन कारक हैं आपके जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर वन पर है आपका कण का आकार, कण का नंबर टू होगा आपका श्रेणीकरण, नंबर तीन पर है आपका संघनन या कॉम्पैक्शन कह सकते हैं इसको, ठीक है, संघनन या कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो हम यहां पर देखते हैं कि बल्क डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, मेनली तीन कारक हैं। पहला है आपका कण का आकार, दूसरा है श्रेणीकरण, तीसरा क्या है आपका संघनन। तो जब भी हम कण के आकार की बात करेंगे तो जो कण आपके जिनकी सरफेस एरिया लो होगी, यानी कि अगर हम दो कणों की बात करें, यहाँ पर एक कण की बात करें, हम एक गोलाकार कण है, तो जिन कणों के सरफेस एरिया जब भी कम होगी तो क्या होगा, सीधे सीधे उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया कम होगी तो उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जिन कणों का सरफेस एरिया कम होगा उनकी सीधे सीधे क्या होगी, बल्क डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट माना जाएगा, ठीक है। इसी भी हम एक परतदार बात करें, परतदार मिलावे की बात करें, हम एक गोलाकार मिलावे की बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे हम दोनों में जो सरफेस एरिया है वो क्या है, परतदार की अपेक्षा गोलाकार की सरफेस एरिया कम है। अब उस एरिया कम होने की वजह से क्या होता है, उसके पूरा आयतन है वो क्या होगा, पूरे उसका आयतन कम हो जाएगा, और जब आयतन कम होगा तो बल्क डेंसिटी हाई होगी, और बल्क डेंसिटी हाई होगी यानी कि वो कंक्रीट क्या होगा, सामर्थ्यवान होगा, ठीक है। नंबर टू श्रेणीकरण, जब हम श्रेणीकरण की बात करेंगे तो श्रेणीकरण अगर अच्छा होता है, अगर किसी भी कंक्रीट के मिलावे का श्रेणीकरण, यानी कि जो उनके ग्रेडिंग होगी वो अगर एक समान रूप से की गई है, ग्रेडिंग मतलब क्या है कि आपके बड़े जो कण होंगे उन बड़ों के कणों के खाली स्थान पर क्या होगा, छोटे कण स्पेस दे, ठीक है। तो जो पोर्स होंगे उनकी संख्या क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। श्रेणीकरण का एक मकसद यही है कि जो आपके जो पोर्स होंगे उन पूरे कंक्रीट में जो मिलावे को और सभी चीज़ों को मिलाने के पश्चात जो पोर्स मिलावा जो नहीं मिलावा यूज कर रहे हैं और मोटा मिलावा यूज कर रहे हैं उनकी अगर ग्रेडिंग सही होगी तो जो खाली स्थान होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, वो भर दिए जाएंगे किसी भी मिलावे के द्वारा, चाहे वो मोटा मिलावा हो, चाहे वो नहीं मिलावा हो, चाहे सीमेंट हो। तो ये तीनों चीज़ें जब आपस में एक समान ग्रेड से रखी जाएंगी, अच्छे से जो है रखा जाएगा वेल ग्रेडिंग के द्वारा, तो उनकी जो स्पेस होगा या पोर्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे, जिसकी वजह से उनके उच्च श्रेणीकरण की वजह से क्या होता है, आपकी जो सामर्थ्य होगी वो क्या होगी, कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है उनके बीच जो पोर्स होंगे वो क्या होंगे, न्यूनतम हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे। जब जीरो होगा तो क्या होगा, क्लोज स्पेस होगा, कोई गैप नहीं होगा, कोई एयर गैप नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कंक्रीट फिट की सामर्थ्य क्या होगी, बहुत ही उच्च हो जाएगी। और सबसे लास्ट में क्या आपका सहनन, सहनन करने से क्या होता है, जो कॉम्पैक्शन प्रक्रिया क्या होती है,
क्रिया से क्या होता है, जो वॉइड्स होते हैं वो बहुत क्लोज स्पेस में, हम इसको क्या करेंगे इसी भी रैमर के द्वारा क्या करेंगे, उनको ठोक बजा के हम उसको क्या करेंगे कम कर देते हैं, स्पेस को कम कर देते हैं। और जब छानन करेंगे तो जो वॉइड्स है, जो गैप है, वो गैप क्या होंगे, बहुत ही क्लोज हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। जब क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, उनकी बल्ब डेंसिटी क्या होगी, हाई हो जाएगी। जब बल्ब डेंसिटी हाई हो जाएगी तो क्या होगा, वो सामर्थ्य जो है उसकी बढ़ जाएगी, यानी बल्ब डेंसिटी यहाँ पे भी हाई हो जाएगी। अच्छी ग्रेडिंग है तो तब भी बल्ब डेंसिटी हाई होगी, और कण का आकार अगर उसका सर्फेस एरिया लो है तब भी क्या होगा, वो बल्ब डेंसिटी हाई होगा। बल्ब डेंसिटी हाई होगी तो हमारा क्या होगा, सामर्थ्य जो है उस कंक्रीट का सामर्थ्य क्या होगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्थूल घनत्व। सबसे आखिरी पॉइंट यहाँ पर है सरंध्रता और जल अवशोषण। तो हम इसके पहले बात करते हैं रंध्र पॉइंट की, तो सरंध्रता क्या होती है, जो भी जो स्पेस होता है मिलावे में, जो खाली स्थान होते हैं मिलावे में, या तो पानी भरेगा या तो हवा भरेगी, क्योंकि दोनों अच्छा नहीं है। तो अगर पानी पहले भर जाता है उसमें, खाली स्थानों में गलती से कहीं पानी भर जाता है, कहीं से नमी प्राप्त कर लेती है वो मिलावा, तो उस मिलावे का जब प्रयोग हम कंक्रीट के निर्माण में करेंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं वाटर सीमेंट रेशियो को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हमने जो मिलावा है उसका अगर हमने पहले वाटर कंटेंट चेक नहीं किया, हमने नहीं देखा कि उसमें पहले से ही नमी उपयुक्त उपलब्ध है, पहले से ही उसने जो है नमी प्राप्त कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे पूरे कंक्रीट का कि जो वर्कबिलिटी है उसको जो है प्रभावित कर जाएगी। और जो वर्कबिलिटी चेंज होगा तो वाटर सीमेंट रेशियो चेंज होगा, बदलाव आएगा, और बदलाव के फलस्वरूप क्या होगा, हमारे कंक्रीट की सामर्थ्य क्या होगी, जल अवशोषण के फलस्वरूप क्या होगा, उस मिलावे के जल अवशोषण के फलस्वरूप क्या होगा, उसकी सामर्थ्य भी प्रभावित होगी। हमें ये देखना होगा कि वहाँ पे जो उस एग्रीगेट की सरंध्रता है और उसमें जो जल अवशोषण है वो कितना हद तक जो है उसमें उपस्थित है कि नहीं है, वो मिलावा कैसा है, हड्डी शुष्क है या वायु शुष्क है। हम इसको चार भागों बांट सकते हैं इस सरंध्रता और इसके बेस पर आधार पर, जल अवशोषण के आधार पर इसको चार भागों बांट सकते हैं। पहला होगा आपका हड्डी शुष्क, हड्डी शुष्क मिलावा। दूसरे नंबर पे होगा आपका वायु शुष्क मिलावा। तीसरे नंबर पे होगा आपका संतृप्त, संतृप्त परंतु सतह शुष्क। चौथे नंबर पे होगा पूर्ण संतृप्त, तो ये चार प्रकार से हम इसको जो है जल अवशोषण के बीच में मिलावे को चार भाग में बांट रहे हैं, हड्डी शुष्क मिलावा, वायु शुष्क मिलावा, संतृप्त सतह शुष्क मिलावा, और नंबर फोर पर है पूर्ण संतृप्त मिलावा। तो हम इन चारों को जब भी हम अध्ययन करेंगे तो इन अध्ययन का आधार पर हम उनके जल अवशोषण को समझ पाएंगे कि कुछ मिलावे ऐसे होते हैं जिनकी सतह सूखी हुई होती है और उनके अंदर नमी पाई जाती है, जो कि कहेगा क्या आपका संतृप्त सतह शुष्क मिलावा, यानी सतह जो है संतृप्त है और उसका अंदर का जो भाग है वो क्या है, शुष्क है। ठीक है, या पूर्ण संतृप्त यानी कि पूरा भीगा हुआ है और सतह केवल हमें शुष्क दिखाई दे सकता है, या एयर, एयर अगर होगा तो क्या होगा उसके अंदर जो वाटर है वो वेपराइज हो जाते हैं कभी कभी। नंबर वन पर जो आपका हड्डी शुष्क है वो क्या होगा, पूर्ण रूप से शुष्क हो जाते हैं। तो ये चार प्रकार के हम मिलावे के जल अवशोषण के बेस पर हम मिलावे को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी बेस पर हम पहचान कर सकते हैं उसमें जल अवशोषण हुआ है कि नहीं है, अगर है तो कितना है, जिसको हम वाटर सीमेंट रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर हम इसको कंसीडर कितने हद तक करना है, जिससे हमारी कंक्रीट की सामर्थ्य प्रभावित ना हो और वाटर सीमेंट रेशियो चेंज ना हो। तो ये सारे जो है मिलावे के अलग अलग लक्षणों के बारे में हमने डिस्कशन किया, जिसमें जो है संगठन, कण की आकृति, आकार, सतही गठन, विशिष्ट गुरुत्व, उसमें भी हमने दो तरह के देखा, एक आवासीय एक बल था, उसके बाद रंध्र स्थान, स्थूल घनत्व, ये सारे जो है पॉइंट हमें डिस्कस किया, जो कि जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी जो भी एक्स्ट्रा इसके अलावा और भी लक्षण हैं और पॉइंट्स हैं उनको हम अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।